नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ब्राइट फ्यूचर पेडागॉजी चैनल में। दोस्तों, एक न्यूज़ है जो आपका फाइनल रिजल्ट है सभी एग्ज़ाम का, एसएससी जितने रिक्रूटमेंट हैं उनका स्टेटस एसएससी ने डाल दिया है। जैसे कि मैंने आपको बोला था पहले ही कि एमटीएस का रिजल्ट आपका मार्च में आ जाएगा और सीजीएल का भी 2018 का रिजल्ट भी मार्च में आ जाएगा, तो वही चीज़ हुई है। तो भाई मेरी बात पर विश्वास कर लिया करो, जो बोलता हूँ किसी प्रूफ के साथ ही बोलता हूँ, ठीक है। तो भाई एमटीएस का इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर करा है, करेंगे ये 5 तारीख को, 5 मार्च 2021 को, और सीजीएल का ये डिक्लेयर करेंगे 31 मार्च 2021 को आपका, ठीक है। तो जितने भी सीजीएल के एस्पिरेंट हैं जिनकी नौकरी की संभावना पूरी पूरी है, जैसे मैंने कट ऑफ बना के डाल भी रखी हैं, वो सेफ स्कोर सेफ जोन में हैं, तो एमटीएस का डीवी स्किप करें ताकि एमटीएस के बच्चे भी नौकरी ले सकें अपना, क्योंकि ज्वाइनिंग में ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा, सबकी ज्वाइनिंग आसपास होगी, और एक दो महीने की सैलरी के पीछे यार किसी की लाइफ मत खराब कीजिएगा आप, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट है सभी से, जितने भी सीजीएल के सिलेक्टेड बच्चे हों, एमटीएस का डीवी जरूर स्किप करें अपना, ठीक है। और गाइस 2020 की जो सीजीएल का 2020 का है उसकी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, ठीक है। आप अपने फॉर्म भर लीजिएगा, और इस बार इन्होंने फोटोग्राफ पे डेट मेंशन का सिनेरियो डाला है, तो लास्ट 3 मंथ से ओल्ड आपकी डेट नहीं होनी चाहिए, और भाई जल्दी फॉर्म भर लीजिएगा, रश में मत रहिएगा, लास्ट में फिर फॉर्म नहीं भरा जाता है। और गाइज मैं फ्री कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ 2020 बैच का, होप आप सबको पसंद आएगा, ठीक है। मैं मैथ पढ़ाऊंगा, इंग्लिश रहेगी आपके साथ साथ जीएस रहेगी मेन, ठीक है। मैथ और जीएस पे मेन फोकस होगा अभी स्टार्टिंग में, मैथ्स आपकी अर्थमेटिक और एडवांस दोनों होंगी, लो लेवल क्वेश्चन से हाई लेवल क्वेश्चन होंगे, फुल कंसेप्ट सिखाऊंगा आपको, ठीक है। प्लस जीएस में आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव पढ़ाऊंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पढ़ाऊंगा आपका, ठीक है। और प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इंक्लूड होंगे, प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे, निमोन्स के थ्रू याद करेंगे। करंट अफेयर मैंने आपके डाल ही रखे हैं, नवंबर मंथ तक के डल गए हैं आपके जैन से लेके, ठीक है। आप उनको जाके देखिए, जब आपको समझ में आएगा कि मैं टॉप 100 कराता हूँ इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों में भी, ठीक है। और बाकी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है स्टॉप भेड़चाल, भाई उसको जरूर देख लीजिएगा, सभी से बोल रहा हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि गाइस इतना वो कुछ फैला पड़ा है ना आपका यूट्यूब पे, हर कोई देखो अभी बीच में सबने कोई किसी ने प्रॉपर चैनल ही आपका एमटीएस का बना दिया, वो अलग अलग स्टडी का टॉप बता रहे हैं कि देखिए उत्तराखंड कितनी जाएगी, दिल्ली कितनी जाएगी, महाराष्ट्र कितनी जाएगी। भाई उनकी 3-4 महीने पहले पुराने वाली वीडियो जाके देख लेना आप, वो पहले आपको दिल्ली 70-75 नंबर पे दिल्ली दुबा रहे थे आपको, ठीक है। महाराष्ट्र की जॉब सेव करा रहे थे 77 नंबर पे यूआर की आपकी, ठीक है। कोई बंदा नहीं बता सकता किसी स्टेट कितनी जाएगी, मैंने आपको प्रूफ करके दिखा भी दिया है वो चीज़, ठीक है। अगर आपके इतने मार्क्स सेफ हैं तो आप अपना अनुमान लगा सकते हैं, मैंने पूरा सिनेरियो बना रखा है, प्लस सीजीएल 2018 की बता दी मैंने कितनी कट ऑफ जाएगी, प्रूफ के साथ बताइए लाइव में कि निकालते कैसे हैं, सीखिए उस चीज़ को आप सीख सकते हैं। प्लस मैंने आपको 2019 का नॉमिनेशन का फंडा बता दिया है सीजीएल की वीडियो के थ्रू कि नॉमिनेशन एसएससी कैसे वर्क करता है। तो गाइस इस चीज़ भेड़चाल पे मत जाया कीजिएगा आप कि उसने बता दी नॉमिनेशन, भाई कोई प्रूफ तो होगा नॉमिनेशन निकालने का, जो मैंने आपको सिखाया उस पर जाके जाइए तो सही, पहले सीखिए तो चीज़ों को। भाई किसी के पास एक्चुअल डाटा नहीं है, कोई एक्चुअल नॉमिनेशन नहीं बता सकता कि कितना ही नॉमिनेशन होगा, एक सिनेरियो होगा, अगर एवरेज मार्क लाइक करते हैं तो उसके भी आपका नॉमिनेशन निकलता है, वो सभी एग्जाम में निकलता है, ठीक है। अब मैं पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि मैं सीजीएल का नॉमिनेशन अलग से बना के दिखाऊं आपको, सीपीओ का अलग से दिखाऊं, एमटीएस का अलग से दिखाऊं, भाई वो चीज़ है, एक बार सीख लिया आपने आप सीख सकते हैं उस चीज़ को। प्लस कट ऑफ की मैंने सारी वीडियो स्टॉप भेड़चाल में भी डाल दी है आपकी, और भाई मैंने मार्च में बोल दिया था कि किसी भी एग्जाम में यूएफएम नहीं होगा, तो बच्चे ने बोला कि नहीं यूएफएम होगा, किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बोला कि यूएफएम नहीं होगा, सब बोलते यूएफएम होगा होगा, मैंने बोल दिया था यूएफएम नहीं होगा क्योंकि नोटिफिकेशन में कहीं भी कोई चीज़ मेंशन नहीं थी, ठीक है। तो वही चीज़ हुई, सीजीएल में यूएफएम वापस लिया गया और एमटीएस में यूएफएम और सीजीएल में यूएफएम नहीं लगा आपका, ठीक है, वो चीज़ है भाई। बाकी जो कुछ माल प्रैक्टिस में आता है उनमें तो मिलता है आपको, वो तो अलग सी चीज़ है, वो भी सी बात है। बाकी गाइस एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आप ना भीड़ चाल को क्यों छोड़ें, क्योंकि हम मोस्टली बच्चे देखते हैं कि इस पर व्यू इतने हैं जाके करो, भाई ये व्यू ना खरीदे जाते हैं। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, आपने देखो कभी वो वीडियो देखो, वीडियो के नीचे एडी लिखा होता है, एड येलो कलर का, तो वो क्या करते हैं अपनी वीडियो को प्रमोट करते हैं, ठीक है, पैसा लगा के, ताकि कोई बच्चा देखे देखे उनकी वीडियो सामने वो आए आए, तो कोई बंदा उस पर क्लिक करेगा ना, क्लिक करते उस पर व्यू काउंट हो जाता है उसका, ठीक है। तो उसके पैसे कटते हैं 20-30 पैसे के आसपास। अब एट द एंड क्या होता है, लोग बाग 2-2 महीने 3-3 महीने तक अपनी वीडियो पे एड चलाते रहते हैं, भाई उनको सिंपल है, उनको कोर्स बेचना अपने कि वो उतना इनकम कर लेंगे। अगर सपोज कोई वीडियो पर 10,000 रुपये लगा भी रहा है कोई बंदा अपना वीडियो पे ऐड के थ्रू, तो बाद में कोर्स में डबल कमा लेगा, 1 करोड़ रुपये में खेल जाएगा आपका। तो भाई वो चीज़ बनाई जाती है, आपको पागल बनाया जाता है, आप अंदर कंटेंट देख लीजिए। और भाई मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे से पढ़िए, जितने भी फ्री प्रोवाइडर हैं कोर्स देते हैं आपका यूट्यूब पे, आप उनसे देखिए, उसमें क्या आप फ्री रहेंगे, ठीक है। अगर आप पेड कोर्स खरीद लेते हैं फिर आप बाउंड टू हो जाते हैं कि यार 2,000 रुपये चले गए मेरे, यही पढ़ाएंगे, इनका नहीं पढ़ा तो मिस हो गया, तो ये हो गया, तो आपके दिमाग की साइकोलॉजी इतनी बेकार कर दी जाती है उस टाइम पे कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हो।
तो भाई आप फ्री माइंड रहेंगे, फ्री बर्ड रहेंगे। मैं आज भी बोलूंगा सिलेक्शन ना मैं कराने का, ना कोई यूट्यूबर कराने का, पेड कोर्स वाला कराने का, सिलेक्शन कराएंगे आपके सिर्फ और सिर्फ किताबें, ठीक है। मेन होती है गाइडेंस, आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम का, वहाँ पर आपकी मैं क्वेरी सोल्व कर देता हूँ। मे भी बहुत से बच्चे हैं उसमें, वहाँ पे बच्चे वो भी क्वेरी सोल्व कर देते हैं सारे, ठीक है। और भाई दोबारा बोल रहा हूँ कि व्यू पे मत जाइएगा, ठीक है। पहले चीज़ों को सीखिए, परखिए, इनोवेटिव बनिए। मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ आपको, मैंने बोल दिया था एसएससी में वेटिंग लिस्ट नहीं हो सकती किसी भी कंडीशन में, वो चीज़ फिर इन्होंने फिर भी कैंपेनिंग चलाई थी, मैंने बोला भी था उस चीज़ के लिए ऊपर। मेरे पे स्टूडेंट थे, उन्होंने कमेंट भी किया था, तो उनको उन्होंने क्या रिप्लाई दिया उसके ऊपर मैंने वीडियो बना भी दी थी, वो दिखा भी दिया था, ठीक है। वो स्टॉप भेड़ चाल में आपको सब मिल जाएगा, आपको ए टू जेड। उसमें एमटीएस की कट ऑफ भी बता रखी है मैंने आपको स्टॉप भेड़ चाल में, कि कैसे निकाल सकते हैं आप, ठीक है। सीएचएचएल की भी, सीपीओ की भी, और सीजीएल 2018 की भी, और सीजीएल 2019 का नॉमिनेशन का भी फंडा बता रखा है, प्लस यूएफएम बता रखा है। और भाई एक रिक्वेस्ट और है सभी से, मैंने एक वीडियो बनाई है उसके ऊपर कि एग्जाम लीक वाली। तो भाई जितने भी एस्पिरेंट हैं जो अपकमिंग एग्जाम होने वाले हैं ना आपके, कोई भी बंदा अपना पेपर आगे किसी भी यूट्यूबर को ना बताए एनालाइज कराने के लिए, क्योंकि गाइस आप अपना भविष्य खुद खतरे में डालते हैं। क्योंकि वो तो एनालाइज करा देते हैं, उनको क्या उनका कोर्स बिकता है, उनके व्यू मिलते हैं, कुछ भी पैसा कमाते हैं वो, लेकिन उसमें नुकसान आप अपना करते हैं, क्योंकि आपने आपको उनको बता दिया कि भाई आप वही एग्जाम्पल, आज सपोज करिए आज एक तारीख को किसका पेपर है, एक तारीख का, फिर दो को, फिर तीन को है, तो एक तारीख वाले बच्चे ने पेपर आके बता दिया, भाई टीसीएस पैटर्न वही फॉलो करता है, उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बस वैल्यू चेंज होती है। तो दो तारीख वाला बच्चा उस पेपर को देख जाएगा एनालाइज के थ्रू, जो क्वेश्चन उसके नहीं आते वो क्वेश्चन सीख जाएगा, वहाँ जाकर पेपर में कर जाएगा, तो इसलिए पेपर इजी रहता है, उनके मार्क्स बढ़ते जाते हैं। तो इसमें पैर पर खिलाड़ी आप अपने खुद मारते हो, ठीक है। तो भाई उसको, उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा ढंग से, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, उस वीडियो को शेयर इतना कर सकते हैं आप, क्योंकि गाइज वो एक तरीके से मैल प्रैक्टिस करते हैं, अखबार एग्जाम लीक कराते हैं, सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए देखते हैं, और सबसे बड़े बेकूफ आप बनते हो उसमें, ठीक है। खैर बनना क्या, आप खुद ही गलती के साथ काम करते हो भाई, एनालाइज करके क्या फायदा, आपको जो एनालाइज करवाना है वो बाद में करा लीजिएगा ना, वीडियो को देख के जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अपने नंबर देख लीजिए, ऐसे आंसर की डाल देगी, उसके बाद देख लीजिएगा आप उनके थ्रू अपने से क्वेश्चन चेक करने के लिए, हमारा क्वेश्चन ठीक आया नहीं आया, तो उस पर कर देते हैं। और गाइज एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जो कोई यूट्यूबर इन फ्यूचर सीजीएल सीपीओ सीजीएल एमडीएस किसी की भी एनालाइज कराता है ड्यूरिंग दी एग्जाम, भाई उसका बॉयकॉट करो, आपका भला नहीं चाहता, आपको सिर्फ पागल बना रहा है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए बैठा है वो किसी की कंडीशन में आपके हित में नहीं सोचता, ठीक है। उनको अगर एनालाइज कराना है तो भाई पेपर जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए उसके बाद एनालिसिस कराइए उस चीज का, ठीक है। तो भाई ये सबसे मेन मुद्दा है, इसको ठीक कीजिएगा। और बाकी वेटिंग लिस्ट नहीं आ सकती एसएससी में, उस वेटिंग लिस्ट के भी हम क्या कर सकते हैं उसके लिए वीडियो बना के मैं डाल चुका हूँ, स्टॉप भेड़ जाल जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट है उसमें सारी वीडियो मिल जाएंगी आपकी, उसको भी फॉलो कीजिएगा। अगर वो चीज़ आप उसके ऊपर कैंपेनिंग चलाएंगे ना तो आपको वैसे ही उसको अपना लेगा, ये फालतू की कैंपेनिंग के चक्कर में मत पड़ा के दीजिए, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती है, ठीक है। अब बच्चे बोल रहे थे वही कि चलो छोड़ो उसमें मैं नहीं बोलता, फिर वो भी बोलने क्रिटिसाइज कर रहा है ज़्यादा किसी को, ठीक है। तो भाई जो चीज़ होती है उसको ऑथेंटिसिटी पे चलाइए कीजिएगा, ठीक है। और आप चीज़ों को सीख लीजिए एक बार, जैसे मैं सिखा रहा हूँ ना आपको कि इस चीज़ की ऐसे निकालते हैं, उसको हम ऐसे करते हैं, उस चीज़ को निकालना सीख लीजिए। जब आप निकालना सीख जाएंगे ना, फिर यार आपको मेरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका माइंड भाई आप सीख, ऑब्वियस ही बात है, सब अच्छी नौकरी की तैयारी कर रहे होते हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि अनग्रेजुएट बच्चे हैं, भाई ट्वेल्थ पास हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं आपके, आपसे इतने बच्चे हैं, इतना माइंड आप समय होता है, एग्जाम क्रैक करके जॉब लेते हैं, तो जो चीज़ सिखा रहा हूँ उसको सीख लीजिए, एक बार सीखेंगे लाइफ में अप्लाई करेंगे, अपना आप निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कट ऑफ निकालनी सिखाई है आपको, इन फ्यूचर जरूरत ही नहीं पड़ेगी सीखने की, मेरे से पूछने की, चैनल को देखने की, आप अपना आराम से जाके देख सकते हैं। अब बहुत से बंदों ने भैया एमटीएससी चैनल घोषित कर दिया था कि एमटीएस की वीडियो बनाए जा रहे हैं कंटिन्यूसली, हर स्टेट की बनाए जा रहे हैं, यार उनकी पहले आप वीडियो जाके विजिट कर लीजिए, और वो चैनल पर आप जाके देख लीजिएगा, वो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी पैसे लेके बच्चों को, क्योंकि हम आपको फ़ोन पे क्वेरी सोल्व करेंगे, हम आप हमें पैसे पे कीजिएगा, यार सीरियसली आप खुद समझिए क्या करेंगे वो चीज़ों को। और भाई पहले देख तो लीजिएगा, जो भी बंदा कोई एनालाइज कराता है आपको या इस कट ऑफ बना के बता देता है, मैं किस हर एग्जाम की बात बता रहा हूँ आपको, चाहे एमटीएस हो, सीपीओ, सीजीएल, सीजीएल, किसी भी एग्जाम के अगर आप कट ऑफ बता रहा है वो, ठीक है, बस सपोज करो मैं बता देता हूँ भाई एमटीएस कट ऑफ 85 जाएगी इसकी, इसी स्टेट की ओबीसी की इतनी जाएगी, यूआर कितनी जाएगी, ईडब्ल्यूएस कितनी जाएगी, एसएससी जाएगी, भाई प्रूफ क्या है आपके पास, जो आप देख के विश्वास कर लेते हो, आप राजी हो जाते हो, फिर इधर भटकोगे, फिर दूसरी वीडियो पर जाओगे, चैनल पर जाओगे, फिर वहाँ कमेंट करोगे, कोई प्रूफ के साथ तो बात करा करो। मुझे कोई भी चैनल दिखा देना जो प्रूफ के साथ आपको चीज़ सिखा रहा हो, बस अपनी पीठ पीछे बना लीजिए, जो को हमारा एनालाइज कहता है, हमारे एनालाइज, हमने बहुत ज़्यादा एनालाइज करा, हमने 10 दिन लगाए, 15 दिन लगाए, हमने बहुत डाटा इकट्ठा करा, हमने ये करा वो करा, आ गए पागल बना दिया, ठीक है। और स्पेशली एक चीज़ और याद रखिएगा,
कभी भी थंबनेल देख के मत जाइए किसी चीज़ पे। अगर आप थंबनेल देख के किसी चीज़ पे जाते हैं ना, तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ बनते हैं आप, क्योंकि आपको अट्रैक्ट करना ही थंबनेल का कारण होता है कि बच्चे थंबनेल देख के डरा के एकदम अट्रैक्ट करते हैं। और इसी टाइप से मैं थंबनेल डालूंगा इस वीडियो पे ताकि आप बच्चे इस वीडियो को देख सकें। ठीक है गाइस, चलो होप आपको वीडियो पसंद आई हो। जो चैनल पे न्यू है भाई, सब्सक्राइब कर लेना ऑथेंटिसिटी के लिए और फ्री कोर्स के लिए। एक मुहिम मैंने स्टार्ट करी, आप भी स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, मैं कोई पेड कोर्स वाला नहीं हूँ, ठीक है, ना कोई मुझे अपने कमाने का शौक चढ़ा है। तो भाई मैं चाहता हूँ कि यहाँ भेड़ चाल खत्म हो भारत में, हमारे जो एडुकेशन में एक रेवोल्यूशन आया आपकी, तो उसमें सहयोगदान आप भी दीजिएगा थोड़ा सा भाई। चैनल को शेयर कीजिएगा जितना हो सके आप कर सकते हैं, जो बच्चे नीडी हैं उनको शेयर कर सकते हैं, वो सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्यूचर गाइडेंस के लिए, ऑथेंटिसिटी के लिए और फ्री कोर्स के लिए। और भाई कुछ क्रिटिसाइज करने वाले यहाँ भी आएंगे, वीडियो को डिसलाइक करके जाएंगे, आई डोंट केयर अबाउट देम। ठीक है, वो बोलेंगे कि शेयर करने को बोला, भाई आपसे नहीं बोल रहा मैं, जो बच्चे जेन्युइन हैं एडुकेटेड हैं वो शेयर कर देंगे। आपका जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि आपकी दुकानें बंद होने वाली होती हैं, तो आप इसलिए करते हैं क्रिटिसाइज में। ठीक है, चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।